किसान आंदोलन पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। चीफ जस्टिस बोले, कानून होल्ड करो वरना अदालत लगाएगी रोक। सुनवाई पूरी, कल आएगा सुप्रीम अदालत का फैसला। दिल्ली बॉर्डर पर 47 दिनों से चल रहा है किसानों का धरना प्रदर्शन। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी पर बोली कांग्रेस पार्टी, विवेक बंसल और कुमारी शैलजा का हल्ला बोल, दोगला है मोदी सरकार का रवैया। सीएम खट्टर के बयान पर भी जताई आपत्ति। महापंचायत में बोले थे खट्टर, वापस नहीं होगा कृषि कानून। जासूसी की आशंका में गिरफ्तार चीनी सैनिक को लेकर भारत और चीन में फिर ठनी। चीन की मांग, जल्द रिहा करें खोया हुआ सैनिक। भारत ने दिया जवाब, उचित जांच के बाद ही रिहा होगा चीनी सैनिक। एलओसी पर लगातार खुराफात कर रहा है चीन। एयर इंडिया की महिला पायलटों ने रचा इतिहास। सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच भरी सबसे लंबी और सीधी उड़ान। 16,000 किलोमीटर तक उड़ाया विमान, मिल रही बधाइयां। हरियाणा में महापंचायत से पहले उत्पात पर भड़के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले कुछ युवाओं ने नहीं निभाया अपना वादा। किसान आंदोलन के पीछे कम्युनिस्ट और कांग्रेस का बताया हाथ। खट्टर बोले, नहीं रद्द होंगे कृषि कानून। कर्नाटक में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नाराज विधायकों को मंत्री बनाकर लुभाने की कोशिश में सीएम येदुरप्पा। बीजेपी बोली, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इजराइल में लॉकडाउन के बावजूद हो रहे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन। भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू पर चल रहा है मुकदमा। प्रदर्शनकारियों की मांग, इस्तीफा देकर मामले का सामना करें प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अपनी ही पार्टी में घिरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कहा, ट्रंप ने किया है महाभियोग चलाने लायक अपराध। लगातार बढ़ रहा है विरोध। हिंदू महासभा ने शुरू किया नाथूराम गोडसे ज्ञानशाला। कार्यकर्ता बताएंगे गोडसे की देशभक्ति के किस्से। महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी थे नाथूराम गोडसे। नवी मनपा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। वाशी में युवा नेता अमित ठाकरे ने किया 2 जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन। विधायक राजू पाटिल बोले, दल बदल की राजनीति गंदी, पार्टी बदलने वालों को सिखाना होगा सबक। आता ही परिस्थिति अशी आहे, मला वाटतं राजकारणाचा हा पॅटर्न कुठेतरी बदलायला पाहिजे। लोकांनी त्यासाठी समोर यायला पाहिजे। हे जे असे चोराचोरी कर पळवापळवी करतात किंवा बेडोकुड्या मारतात, यांना या निवडणुकीत धडा पण शिकवायला पाहिजे। हे तेवढंच खरं आहे, त्याशिवाय हे प्रकार सुधारणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाईक के नेतृत्व में लड़ा जाएगा नवीनबई का मनपा चुनाव। बीजेपी ने बनाया निर्वाचन प्रमुख। विधायक मंदा मात्रे को उप प्रमुख की जिम्मेदारी। नवीनबई में गणेश नाईक का वर्चस्व कायम। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।